नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट शेयर्स के बारे में और किन शेयर्स के कारण अभी जो है आप स्टॉक मार्केट में रैली देख रहे हैं, वह है बैंकिंग स्टॉक्स। बैंकिंग स्टॉक्स में आपको सारे स्टॉक जो HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, SBI है, इसमें जबरदस्त रैली देखने मिला है, क्योंकि जो न्यूज है बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में वो काफ़ी पॉजिटिव है। जैसे SBI से शुरू होता है, देखिए SBI 5% आज अप है, देखिए 19.45 रुपीज़ 400 के प्राइस के ऊपर जा चुका है। SBI 5% से ऊपर है। यहाँ पर बात करें SBI के रिजल्ट का, SBI के क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट है 80% से प्रॉफिट जंप हुआ है, देख सकते हैं, और प्रोविजन यहाँ पर ड्रॉप हुआ है, प्रोविजन में डिक्रीज देखने मिला है, और वहीं जो प्रॉफिट है वो 80% से जंप हुआ है, और ये प्रॉफिट हो चुका है 6,450 करोड़ का। और यहाँ पर कंपनी ने 4 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जो कि बहुत कम बार आपको अनाउंसमेंट देखने मिलता है। जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं, PSU बैंक के स्टॉक्स हैं, उसमें से SBI और कुछ ही एक दो स्टॉक्स मिलेंगे जो आपको कभी कभी डिविडेंड देता है। तो काफ़ी ज़बरदस्त तेजी था इसके कारण SBI में, HDFC बैंक में, ICICI बैंक में, एक्सिस बैंक में। इसी कारण ही आपको निफ्टी 50 में भी आपको ज़बरदस्त तेजी देखने मिला। ये आगे भी कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में SBI जो काफ़ी ज़बरदस्त जो रिजल्ट दिया, इससे हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो वो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये जो एस्टिमेट है कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट आएंगे, तो जिसके कारण मार्केट में आपको तेजी देखने मिला है। साथ साथ मेटल सेक्टर में पहले से ही तेजी है, मेटल सेक्टर में हो सकता है ये तेजी ओवर हो चुका हो। साथ साथ यहाँ पर नीचे चलिएगा तो देखिए मेटल सेक्टर में JSW जो है यहाँ पर प्रॉफिट में जंप हुआ है 1717% का, और ये प्रॉफिट हो चुका है 4,198 करोड़ का, और 6.50 रुपीज़ का पर शेयर डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है JSW ने। तो ये ज़बरदस्त रैली कंटिन्यू कर सकता है अगर मेटल सेक्टर में फिर से तेज़ी देखने मिलता है। साथ साथ बैंकिंग सेक्टर जो है ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिला है, तो बैंकिंग सेक्टर में और मेटल सेक्टर में अगर दोनों में तेज़ी एक साथ आता है, तो फिर से आपको निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जाता हुआ देखने मिल सकता है। अभी हम बात करते हैं रिलायंस, तो रिलायंस का भी करेंट प्राइस देख लीजिए 1999 रुपीज़ है, और ये भी आज अप है 0.72% से। और रिलायंस में अगर बात करें तो रिलायंस काफ़ी दिनों से ये कंसोलिडेट हो रहा है एक ही रेंज में, काफ़ी दिनों से। आप देखिए वन ईयर का चार्ट लेते हैं तो देखिए ये ऊपर का रेंज है, ऊपर का रेंज जो है लगभग 2000, 2050, 2100 इसी के ऊपर रेंज बना रखा है, और नीचे जो है 1900 का ये रेंज बना रखा है, 1850 का। तो ये 1850 से समझिए 2100 इसी रेंज में जो है रिलायंस ट्रेड कर रहा है। जब तक 2100 रुपये के ऊपर नहीं जाता है, तो तब तक आपको इसमें ऊपर के मोमेंटम देखने नहीं मिलेगा। तब कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप रिलायंस में बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, जब जब गिरावट मिले तो बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो अभी रिलायंस जो लगातार कंसोलिडेट, क्योंकि इसका जो रैली है वो आपने देखा 900 रुपये से 2300 रुपये तक का रैली देखने मिला, तो अब यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहा है, धीरे धीरे टाइम स्पेंड कर रहा है, फिर यहाँ से रैली जैसे स्टार्ट होगा तो फिर से आपको 3000 तक का लेवल देखने मिल सकता है। यहाँ पर रिलायंस जो अभी आपको इसमें मोमेंटम देखने नहीं मिला, इसका जो पेट्रोलियम कारोबार है, जब से लॉकडाउन लगा है तो पेट्रोलियम कारोबार पूरी तरह से बंद है। साथ साथ उधर जो जियो को एयरटेल काफ़ी टक्कर दे रहा है, जो सब्सक्राइबर बेस है वो एयरटेल का लगातार बढ़ रहा है, तो ये सारे बिजनेस काउज भी होते हैं जो आपको लगातार ध्यान रखने होते हैं। तो बाद लूपिन 1215 रुपया अभी करेंट प्राइस है, इसमें भी देखिए ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिला है, और फार्मा सेक्टर ऐसे भी अभी अप ट्रेंड में है। तो फार्मा सेक्टर में जब भी मतलब कंसोलिडेशन होता है, जब भी कंसोलिडेट करता है और वहां से तेज़ी देखने मिलता है, तो आप इसमें बाय कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फार्मा सेक्टर में अभी तेज़ी बनी रह सकती है, तो और यहाँ से आपको ज़बरदस्त मतलब रिटर्न देखने मिल सकता है। तो फार्मा सेक्टर जो कि काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट था, काफ़ी दिनों से मतलब परफॉर्म नहीं कर रहा था कई सालों से, वो अभी ज़बरदस्त बुल रैली में है, तो आप अभी किसी भी फार्मा सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है IRCTC, कंपनी का बिजनेस पूरी तरह से बंद है, उसके बावजूद आपको शेयर प्राइस में ज़बरदस्त मोमेंटम देखने मिला, क्योंकि पहले ये 1300 रुपये से 1500 रुपये के बीच लगातार ट्रेड कर रहा था, और यहाँ से देखिए जो शेयर प्राइस यहाँ से मोमेंटम पकड़ा 1300 रुपये से 1400 रुपये से, तो डायरेक्ट ये यहाँ 2000 रुपये के प्राइस तक आया था।
यहाँ पर आप देख सकते हैं 2030 रुपये तक गया था और वहाँ से फिर से थोड़ी सी गिरावट देखने मिली है और यहाँ से हो सकता है फिर से रैली देखने मिले। लेकिन जैसे कंपनी का बिजनेस जो स्टार्ट हो जाता है, एक बार काम स्टार्ट हो जाता है और जो नॉर्मल रूप से कंपनी काम करने लगती है, कंपनी का बिजनेस नॉर्मल रूप से चलने लगता है, तो फिर यहाँ से आपको ज़बरदस्त मोमेंटम आगे देखने मिल सकता है। उसके बाद अगला है हमारा HDFC लिमिटेड, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है। इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी देखिएगा तो 2522 रुपये है, तो ये भी स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त है, 3% से अप है। तो ये भी स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक में से एक है और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए एकदम इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी है और HDFC ग्रुप की कंपनी और कंपनी के जो है कई सारी सब्सिडरी कंपनियाँ हैं, ज्वाइंट वेंचर है, तो कंपनी ये कंपनी एकदम आप आंख बंद करके इन्वेस्ट करते हैं जब भी गिरावटें मिले, क्योंकि ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और लॉन्ग टर्म में आपको एक ज़बरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक है। देखिए यहाँ से 9000% का रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, तो काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है। इसमें चाहे जब भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके इम्पॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो इसका जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स है वो अगर ये 3000 को क्रॉस कर जाता है तो फिर आपको यहाँ से 4000 तक का लेवल ये दिखा सकता है ये स्टॉक। लेकिन ये इसमें काफ़ी वक्त लगेगा क्योंकि जो लार्ज कैप वाले स्टॉक्स हैं वो एक रैली करता है, रैली के बाद फिर वो आपको कंसोलिडेट करेगा, फिर कंसोलिडेट होने के बाद वहाँ से एक रैली देखने मिलेगा। अगला जो हमारा स्टॉक है GM फॉडलर, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। अभी 5099 रुपीज़ अभी करेंट प्राइस है और ये स्टॉक जो है लगातार जो है 3500-4000 के आसपास लगातार कंसोलिडेट हो रहा था, क्योंकि इसका जो OFS आया था उसके कारण कंपनी में शार्प गिरावट आया था। यहाँ से देख सकते हैं 3500 और 4000 के आसपास लगातार कंसोलिडेट, वहाँ से ये यहाँ से देख सकते हैं आप पिकअप पकड़ा है। तो यहाँ से ये स्टॉक जो आपको पहला जो टारगेट है 6000 तक दिखा सकता है, 6000 को क्रॉस करता है तो फिर आपको आगे के लेवल देखने मिलेंगे। तो आप कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए हैं तो बने रहिए, जो स्टॉक से काफ़ी अच्छे हैं। सिर्फ OFS जो यहाँ पर आया था तो OFS काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पर था, लगभग 50% के डिस्काउंट पर, जिसके कारण कंपनी में एक शार्प यहाँ सेलिंग देखने मिला। तो इसलिए आप इसमें बने रहिए, कंपनी का काफ़ी अच्छी है, इसके कंपनी के जो रिजल्ट है, जो सेल्स है, जो प्रॉफिट है, उस पर नज़र रखिए, कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है, कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स किस तरह से इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो उसके अनुसार आपको निर्णय लेना है। उसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, देखिए PSU स्टॉक जो भी है वो काफ़ी कम परफॉर्म करते हुए मिलेंगे आपको, काफ़ी कम रिटर्न मिलेंगे, लेकिन थोड़े से डिविडेंड जो आपको इसमें काफ़ी अच्छे मिलते हैं। देखिए 10% का डिविडेंड यील्ड है, तो इसमें डिविडेंड यील्ड तो काफ़ी अच्छे मिलते हैं लेकिन आपको इसमें रिटर्न देखने नहीं मिलेगा। देखिए 2017 से एक स्टॉक लगातार नीचे ही गिर रहा है, हमारे पास भी ये स्टॉक है 135 के प्राइस पर, तो अभी देखिए यहाँ पर जो बाइंग प्राइस है उससे भी नीचे चल रहा है स्टॉक, लेकिन अच्छे खासे आपको डिविडेंड मिलेंगे तो आप चाहे तो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये स्टॉक काफ़ी रैली कर चुका है, देखिए यहाँ मात्र 70 रुपीज़ पे स्टॉक मिल रहा था तो यहाँ से 100 तक का मोमेंटम मिल चुका है, तो लगभग इसमें समझिए मोमेंटम पूरा हो चुका है, क्योंकि PSU सेक्टर के स्टॉक में आपको कुछ खास मोमेंटम देखने नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है मदरसन सुम्मी, काफी जबरदस्त स्टॉक, ऑटो पार्ट्स बनाने वाली ये कंपनी है, जॉब काफी जबरदस्त है, लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को, और देख लीजिए जब जब गिरावट आया है तो कंपनी काफी अच्छे से बाउंस बैक किया है और ये अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच चुका है। अगर ये 260 रुपीज़ को क्रॉस कर जाता है, 260 रुपीज़ के ऊपर, तो आपको और वहां से एक ज़बरदस्त बुल रैली इस स्टॉक में देखने मिल सकता है। तो इसलिए याद रखिए कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी अच्छा बोनस देता है, काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी पे करती है कंपनी। अभी थोड़ा कंपनी के बिजनेस जो है फंक्शन में नहीं है, तो कंपनी के बिजनेस अच्छे से नहीं चले, जैसे कंपनी का बिजनेस अच्छे जो नॉर्मल रूप से चलने लगता है तो निश्चित है कि आपको ज़बरदस्त इसमें यहाँ से मोमेंटम देखने मिलेगा आगे भी। उसके बाद अगला है टाटा मोटर्स, ये भी ऑटो सेक्टर के, ऑटो सेक्टर काफ़ी दिनों से अंडर परफॉर्म था, लेकिन जो इस पैंडेमिक में जो मार्केट में तेजी आया है उस तेजी में जो मदरसन सुम्मी है, टाटा मोटर्स है, जो भी स्टॉक्स ऑटो सेक्टर के उसमें काफ़ी रैली देखने मिला था, तो ये भी स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त है। देख सकते हैं ये भी स्टॉक यहाँ से काफ़ी ज़बरदस्त रैली किया, 70 रुपीज़ से 300 के ऊपर तक, 350 के ऊपर तक जा चुका था ये स्टॉक, तो काफ़ी रैली कर चुका है, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। गिरावट में फिर कभी मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, क्योंकि यहाँ से हो सकता है
थोड़ा करेक्शन देखने मिले, क्योंकि जो टेस्ला का न्यूज था, टेस्ला के न्यूज के कारण इस स्टॉक में रैली देखने मिला था। उसके बाद है लार्सन एंड टूब्रो, ये भी काफी जबरदस्त है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का काफी जबरदस्त स्टॉक है। इसका करेंट प्राइस देख लीजिए 1419 रुपया है और ये भी 0.66% से अप है। ये भी स्टॉक काफी जबरदस्त है, आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न देगा। लेकिन दोस्तों ये जो लार्ज कैप कंपनी है इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं उतना बेटर रिटर्न नहीं मिलेगा जितना आपको मिड कैप में मिलते हैं। तो जो मिड कैप के स्टॉक्स है उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो और ज़्यादा बेटर रिटर्न मिलेगा। और अगर 5 ईयर्स में देखें तो कुछ भी इम्प्रूवमेंट इस स्टॉक में आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पहले से ही ये सारे स्टॉक जो अच्छे अच्छे रिटर्न जो मतलब इन्वेस्टर को दे चुके हैं। देखिए पहले से ही ये स्टॉक काफ़ी अच्छे रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे चुके हैं, काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट कर चुका है अपने इन्वेस्टर का। तो ये सारे जो लार्ज कैप स्टॉक है जब गिरावट आता है तो वहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, तो फिर आप गिरावट का वेट कीजिए, कभी इसमें गिरावट आता है तो आप वहाँ पर बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। अब देखिए 3i इन्फोटेक, काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं इसके स्टॉक के बारे में, क्या स्टॉक एक मल्टी बैगर बनेगा। तो दोस्तों ये एक देखिए इस स्टॉक का अगर हम चार्ट देखें तो ये स्टॉक काफ़ी नीचे के प्राइस पर मिला था, 1.60 रुपये। तो जो भी वहाँ पर बाय किया उसे एक मल्टी बैगर रिटर्न मिल चुका है। अगर कोई 1.35 रुपये पर बाय किया तो वहाँ से देख सकते हैं उसके 555% तक का रिटर्न मिल चुका है, तो उसे एक मल्टी बैगर रिटर्न प्राप्त हो चुका है। यहाँ से ये 9 रुपीज़ के ऊपर तक गया था, 9.80 रुपीज़ तक, जो भी 9.80 रुपीज़ पर सेल किए होंगे और 1.40 रुपीज़ पर बाय किए होंगे तो उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला, लगभग 6 टाइम्स का रिटर्न मिला। तो धीरे धीरे ये स्टॉक जब 10 रुपीज़ को क्रॉस करेगा तो यहाँ से एक मूवमेंटम आपको देखने मिलेगा, साथ साथ ही जब इसका स्टेक सेल पूरी तरह से हो जाता है तो फिर आपको इसमें एक मूवमेंटम देखने मिलेगा। येस बैंक की बात करें तो येस बैंक ये भी स्टॉक काफ़ी न्यूज़ में आता है, काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्टेड आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, येस बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, ये काफ़ी अच्छा रैली करेगा, काफ़ी अच्छा इसमें रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों जो येस बैंक है, यस बैंक में आपको तभी अच्छा रिटर्न मिलेगा जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, जब फाइनेंशियली ये परफॉर्म करती है, कंपनी का अच्छा खासा जो डेट है वो रिमूव हो जाता है, कंपनी का बैलेंस शीट काफ़ी अच्छे तरह से इम्प्रूव होता है, तभी आपको इस शेयर प्राइस में इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा, शेयर प्राइस में तभी मूवमेंटम देखने मिलेगा। देखिए ये अपना जो लोवेस्ट है उस लो प्राइस के लगभग करीब पहुंच चुका है, 11 रुपीज़ इसका लो है, तो यहाँ पर 13 रुपीज़ पर लगातार सपोर्ट ले रहा है। अगर 13 रुपीज़ से इसमें रिवर्सल देखने मिलता है तो फिर यहाँ से ये 20 रुपीज़ तक जा सकता है, 20 रुपीज़ के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक इसमें आपको एक बुल रैली देखने नहीं मिलेगा। तो 20 रुपीज़ के एबव जाता है तो फिर इसमें मूवमेंटम देखने मिलेगा, वो कब होगा, जब कंपनी का बैलेंस शीट इम्प्रूव होता है। बैलेंस शीट जब तक बैलेंस शीट इम्प्रूव नहीं होता तब तक आपको इस कंपनी में जो है कुछ भी खास इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा। जैसे 1-2 क्वार्टर आप देखते हैं इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, बैलेंस शीट इम्प्रूव हो जाता है कंपनी का, तो फिर यहाँ से ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। अदरवाइज ये स्टॉक इसी प्राइस रेंज में आपको फंसा हुआ दिखेगा, 10 रुपीज़ से 20, 20 से 10, 20 से 10, फिर इसी रेंज में घूमता हुआ देखने मिलेगा। तो ये ओवरऑल व्यू था इन सारे स्टॉक्स के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जब पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।